हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे ही थ्रो में ये दूरी तय की। नीरज चोपड़ा ने पहले थ्रो में 87.03 की दूरी तय कर नंबर एक पर जगह बना ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने अगले ही थ्रो में बेहतर प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। जेवलिन थ्रो फाइनल में कोई भी एथलीट नीरज चोपड़ा के आसपास नजर नहीं आया। नीरज चोपड़ा इकलौते खिलाड़ी रहे जिनका थ्रो 87 मीटर से ऊपर रहा। चेक रिपब्लिक के जाकोब वेडेली 86.67 मीटर और वितेस्लाव वेस्ली 85.44 मीटर की दूरी के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि नीरज चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद तुरंत ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें 6 करोड़ की इनामी राशि और क्लास 1 की नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही नीरज के 13 तारीख को भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।